Hey guys, welcome back to my YouTube channel and another vlog. So finally, आज हम जा रहे हैं उदयपुरा और संतोष भाई भी जा रहे हैं मेरे साथ में और हम आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रहे हैं एटआरसी से. सो वीडियो में बने रहना, ब्लॉगिंग में जो भी है बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम थोड़े से काम से भी जा रहे हैं और थोड़ा फन करते हुए जाएंगे गाइस, तो मज़े लेते हुए जाएंगे फाइनली. तो आप बने रहना इसमें वीडियो में. सो निकलते हैं, आप देख सकते हो बाइक इधर खड़ी है और चलते हैं अब यहाँ से. सो चलते हैं यहाँ से अपन और निकल लेते हैं जरा. तो हम इटारसी से निकल गए हैं. सो देख सकते हो ब्यूटीफुल हाईवे. पानी नहीं गिरा तो बहुत ही शानदार लग रहा है, अगर पानी गिरता तो बहुत ही लकार हो जाता है सिस्टम. और हमको यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के लगभग जाना है. वहाँ पे एक कॉलेज है, संतोष भाई का इसमें नाम आया है, अपने को वहाँ पे जाके जो भी है इसका एडमिशन करवाना है. और मेरा तो गाइस कहीं पे भी नाम नहीं आया है, कितने भी राउंड में मैंने फॉर्म भरा, चॉइस फिलिंग किया, लेकिन कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ मतलब कॉलेज. अब देखते हैं कॉलेज में जाके पता करते हैं, हो सकता कहीं ना कहीं कॉलेज में मुझे ले ले तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो फिर केस दिया. चलते हैं फास्ट. तो हम पहुंच गए हैं नर्मदा नदी. तो अब देख सकते हो बहुत ही शानदार इधर पक्षियां यहाँ पे उड़ रहे हैं, बहुत ही मजेदार मतलब बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है. तो अब देखते हो आगे का व्यू भी बहुत ही शानदार है, आगे पहाड़ भी बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं. अपने को ये पहाड़ के किनारे से ही जाना पड़ेगा है ना, ऐसा है. बहुत ही शानदार तरीके से निकलेंगे वहां से और आगे से अपने को ना टर्न लेना पड़ेगा इस साइड में उदयपुरा के लिए. सो यहाँ पे देख सकते हो फोटो शूट हो रहा है भाई लोगों की, अरे मम्मी की फोटो शूट कर रहे हैं. तो चलते हैं यहाँ से फास्ट. तो आज मौसम भी साथ दे रहा है. सो फाइनली हमने चेक किया है, ये बराबर यही रोड है और हमको यहीं से जाना है और हमें यहाँ से लगभग क्या पूरा ना हमको 106 किलोमीटर चलना है यहाँ से. तो थोड़ा अब यहाँ से हमको ना थोड़ा सा खींचना पड़ेगा गाड़ी को, वरना ऐसे में तो हम दिक्कत हो जाएंगे मतलब बहुत ही लेट पहुँचेंगे. तो ना थोड़ा स्पीड में ही चलना पड़ेगा. गाइस चेक दिस व्यू, मतलब पूरे साइड ना पेड़ पौधे और इधर इस साइड में ना पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं. तो इस साइड में भी आने लगे पहाड़ और अच्छा लगता है कि पूरे जंगल से होते हुए हम लोग उदयपुरा के लिए निकलेंगे. तो इधर से ऐसा लगता है कि गांव शुरू हो गया है. गाइस 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 मजा आ गया, बहुत मजा आ रही है. ऐसा लगता है कि सो इधर देख सकते हो इतने सारे गाय, इतने गाय तो मेरे गांव में भी नहीं है. क्यों संतोष भाई यहाँ इतने गाय है, पेट्रोल भर लेते यहीं पे. क्यों पता नहीं मिला कि नहीं मिला. तो यहाँ पे ना पेट्रोल भर लेते, कितने का भर रहे. ले 710 रुपए निकालो. गाइस तो पेट्रोल भर चुके हैं और हम लोग निकल गए हैं साहगंज. अब कितना बड़ा होगा पता नहीं, आगे है ना शाहगंज के द्वार दिख रहे हैं दो दो. तो ऐसा लगता है शाहगंज क्रॉस होने वाला है.
बारिश तो इधर तो पानी गिरने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो अब देखते हैं बारिश कितनी होगी। अभी तो हमें बहुत ही दूर जाना है और भीग जाऊंगा मैं तो। गाइस बहुत ही हालत खिसक गई है गाड़ी चला चला के, बहुत देर से मैं ही चला रहा था गाड़ी, अब संतोष भाई को ड्राइविंग करने देते हैं। क्यों संतोष भाई? तो अभी यहाँ पे एक छाँव में रुके, ये भी बमूल के पेड़, यहाँ पे बमूल के ही पेड़ हैं, जहाँ देखेंगे वहाँ पे बमूल के पेड़ देखेंगे, काटेदार पेड़, बहुत ही भयंकर नुकीली नुकीली। और पानी का कोई मौसम बेमान नहीं है, मतलब पानी का कोई चांस नहीं है अभी तो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मौसम बन जाता है। तो हम लोग इधर से आ रहे थे और हमें जाना है इस साइड, सो चलते हैं डायरेक्ट। गाइस NH45 में हम चलने वाले हैं, ट्रैक चेंज NH45 में बरेली रोड। ये यहाँ से लगभग हमें मतलब 56 या 50 किलोमीटर के लगभग और चलना पड़ेगा। गाइस तो यहाँ पे हमने क्या बोलना चाहिए, फोटो कॉपी किए हैं, अलॉटमेंट निकाले हैं, अब संतोष भाई गाड़ी चलाएगा, मतलब संतोष भाई ही चला रहा था गाड़ी उतने टाइम से भी। तो यहाँ पे किया हमने प्रिंट, और ये अपना उदयपुरा शहर है ना। हाँ भाई, तो इधर से अपने को जाना है ये ब्रिज के नीचे से, उधर अपना कॉलेज है। चलो बेकार है, और आप देख सकते हैं आर्य भट्ट परिसर कॉलेज ये। सो हम लोग फाइनली पहुँच ही गए हैं, तो चलते हैं, कहाँ चलना है अपने को। A few moments later, तो हम लोग यहाँ से हम निकल रहे हैं और टाइम हो गया है 3:30-4 बजने वाला है, या 4 बज गया होगा, आई डोंट नो। तो चलते हैं यहाँ से, आप देख सकते हो कॉलेज, और निकलते हैं, सामने गाड़ी है, चलो तो निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली गाइस, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर टेंट लगे हैं, ये टेंट भाई शादी के लिए लगी हुई है। चलो कुछ तो सूख गया भाई, पानी गिर गया है और सूख भी गया। ये अपना हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ का ये इसको क्या बोलते हैं भाई, मेन्यू कार्ड। हाँ मेन्यू कार्ड, और संतोष भाई बैठा है, हमारे लिए स्पेशल थाली आ रही है बिल्कुल 2-4 लाख रुपए वाला। सो हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस, तो हम खा पी के वहाँ से निकल गए हैं, और आप देख सकते हो बहुत एक ब्यूटीफुल नज़ारा, और आप देख सकते हो excited for this view. बिल्कुल पत्थर चट्टाने, बिल्कुल पेड़ पौधे, माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। संतोष भाई तो पहले फोटो लेने के लिए खड़े हो गए, सो आप देख सकते हो बहुत ही भयानक एंड बहुत ही घना जंगल। सो हम यहाँ से जाएंगे ये जंगल से होते हुए डायरेक्ट, ये देखो गाइस। और गाइस तो हम यहाँ से निकलेंगे, और हम लोग इधर से आ रहे थे उदयपुरा, एंड आप इधर भी देखिए सब दूर चारों ओर इधर पहाड़ है, और हम बीच में हैं। ये जबलपुर रोड है गाइस, और इधर भोपाल रोड है, ये भोपाल की ओर निकल गए हम, जबलपुर रोड से आ रहे हैं, बाकी जबलपुर से नहीं आ रहे हैं, उदयपुरा से आ रहे हैं।
सो चलते हैं यहाँ फोटो शूट करते हैं गाइस। गाइस तो कंडीशन इज वेरी बैड, पूरी हालत खिसक गई, बहुत ही लंबा सफर किया हम लोगों ने। समथिंग 400 किलोमीटर चले चुके हैं लगभग, है ना, 350 से तो ऊपर चल गया है। 400 गाइस, 400 चल गए आज, दिन भर में इतना चल गए क्या बताए गाइस। सो अब यहाँ पे फोटो शूट कर लेते बढ़िया। संतोष भाई तो पहले ही फोटो शूट के लिए यहाँ पे खड़े हो गए। One hour later. So finally, guys, check this view. और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, बहुत हो गई फोटो शूट। देख सकते हो बहुत ही भयंकर तरीके से पहाड़ को काट दिया गया है, बहुत गहरे में से पहाड़ को काट दिया है। ये देखो भाई, इधर तालाब है और वो तालाब ना भी, हाँ ये देखो भाई बहुत बड़ा तालाब। सो है गाइस, तो बहुत ही रात हो गई और हम लोग पहुंच गए यहाँ अब्दुल्लागंज, और ये है यहाँ का टोल यस गेट। सो काफ़ी रात भी हो गई और हम लोग यहाँ से भोपाल निकलेंगे, तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। लाल लाल